आजकल के समय में हर चीज़ रेडीमेड मिलने लगी है। पहले जो चीज़ें हाथ से बनती थी वही चीज़ें आज मशीन से बनती है, लेकिन हमारे खोतीगांव में आज ऐसी भी एक कला है जो अभी भी हाथ से बनती है। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नारियल के पेड़ के पन्नों से किस तरह चटाई बनती है। शुरुआत में नारियल के पेड़ का पन्ना काटकर उसके छोटे छोटे पन्नों को अलग अलग किए जाते हैं और उसी पन्नों को दो दो फुट काटकर टुकड़े बनाते हैं और ये बनाने के बाद उन टुकड़ों की छोटी छोटी पत्तियां बनाते हैं। और वो एक एक जुड़ा कर लंबा पार्ट तैयार करते हैं। और वो लंबे जितने आपको मैट बनानी है उतने लंबे टुकड़े करते हैं और वो सब ठीक ठाक से जोड़ देते हैं। उसके बाद ही ये मैट तैयार होती है। यानी पहले जानते लोग करता है मान रहे हो, आता सगळे प्लास्टिक करता है, अजून तू ये घेन बसला किद्या म्हण करता है मान रहे हो? किद्या आमको नीट पास आमको या मानगाचे नीट बरी पडता, त्या मानगाचे नीट पडना म्हणून की जाणते पहिले याच मांजरे करताले आणि याच मांजऱ्याचे निघताले, ते आमकं भी ते सावडले। हे मेट पन्नो का होने के कारण पर्यावरण के लिए भी कोई विपरीत हानि नहीं पहुंचती है। आणि बाजराचे मांजरे कशी असता? बाजराचे मांजरे ते गरमी गरम अंगार रक्त बंद करपाचे आता लोक नित्त म्हणून येतात सवाय मेळटा म्हणून, आता कोण अशा करूंक जाता हे करून गाड पडता येऊन लोक ते करता। तो देखा आपने कि नारियल के पेड़ के पन्नों से कितने अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है। हमारे गोवा के स्थानीय बाजार में बहुत सारी चीज़ें बिक जाती है जो पूरे से पूरे बाहर के शहर से आती है। इसी तरह हमारे स्थानीय कला को भी इसी मार्केट का फ़ायदा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे समुदाय ने भी इस कला को बढ़ावा देना चाहिए। मैं देविदास गाँवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, खोतीगांव गोवा से।